फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आंखों पर। अब उनके माँ बाप बहुत परेशान है कि ये चश्मा कैसे उतरे, मोटे मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों। तो मैंने उनको भी सिखा दिया, देखो सवेरे सवेरे सोकर उठो और मुंह का थूक आंख में लगाओ काजल की तरह से। तो बच्चों ने चालू कर दिया। बच्चे बहुत भोले होते हैं, सीधे होते हैं, कोई भी बात अगर समझ में आए तो करते। अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए सिर्फ ये लार लगाने से। आप भी करके देख लीजिए जिनको भी चश्मे हैं। बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे, आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे। उम्र ज्यादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा, कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाए। आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो मुंह की लार सुबह सुबह की आंखों में लगाइए काजल की तरह से। और एक बताता हूं, एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, आंखों की बीमारी है। अक्सर उसमें आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में बहुत जलन होती है, जैसे खून उतर आया हो आंखों में, वो कंडीशन हो जाती है। कोई भी आयुर्वेद की दवा आप खाएंगे 3 से 4 दिन में ही बीमारी ठीक होती है। लेकिन अब की बार अगर ये बीमारी आए तो आप ये करना, सुबह सुबह उठते ही मुंह की लार लगाना, 24 घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गई, 24 घंटे में ही ठीक होते हैं कंजक्टिवाइटिस। अगर बच्चों में बचपन से आंखों के ऐसे कोई रोग हैं, जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है 8 साल का है, उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, उसकी आंखें टेढ़ी हैं, वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है उसको, ऐसा है। अब उसके माता पिता गरीब हैं और वो ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। उस बच्चे पर मैं यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, लगभग मुझे 4 साढ़े 4 महीना हो गया है और उसका टेढ़ापन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भेंगापन, उसका भेंगापन लगातार कम हो रहा है और आंखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रही। तब मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है, एक्चुअली इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। तो उन्होंने कहा, भैया जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट मिट्टी में है वो सब लार में है। तो मैंने आपको बताया मिट्टी में 18 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, लार में वो सबके सब हैं। इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है, बेशकीमती है, इसको कभी नष्ट नहीं करना। इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते हैं। और 2-4 बातें बता दूं, क्या क्या रोग और ठीक कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई दाग हो गया, धब्बा हो गया, जैसे जल गए, जलने का दाग होता है ना, उस पर नियमित रूप से सवेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रहिए, 6-8 महीने में धग्गा धब्बा बिल्कुल साफ हो जाए, जले हुए का धब्बा। शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है या काला दाग हो गया या फलाना हो गया या ढिमाका हो गया, एक्जिमा हो गया, मान लो खराब बीमारी की बात करूं, एक्जिमा हो गया, एक्जिमा पे रोज सुबह की लार लगाइए, मालिश करते रहिए, 6-8 महीने के बाद देखिएगा साफ। और एक्जिमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोराइसिस, वो भी ठीक होती है इसी लार से। बस इतना है कि साल भर करना पड़े, मुफ्त का इलाज है, फोकट का इलाज। बागवत जी ने जितने भी इलाज बताए हैं सब फोकट के और मुफ्त के, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप स्किन डिसीज में इसका एक्सपेरिमेंट करिए, आंखों की बीमारियों में इसका एक्सपेरिमेंट करिए, घाव हो जाए कहीं शरीर में उस पर एक्सपेरिमेंट करिए, फोड़े फुंसियों पर इसका एक्सपेरिमेंट करिए। मैंने ये 4 एक्सपेरिमेंट किए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आप भी करिए, रिजल्ट आपको भी मिलेंगे। बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाइए। तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया, आप दूसरों का भी कम कराइए।